हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मालूम है इस समय हम भारतीय संविधान में भाग 5 पढ़ रहे हैं। संघ की कार्यपालिका शुरुआत हो चुकी है। आज हम संघ की कार्यपालिका में सबसे अहम पद प्रेसिडेंट में पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती क्या हैं। अभी तक क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट में केवल 4 से 5 कैटेगरी विभाजित कर लेते हैं और उन विभाजन के आधार पर यह दर्शा देते हैं कि राष्ट्रपति की पावर किन क्षेत्रों में किन किन चीजों को लेकर है। आज मैं आपको यहां पर जितने भी आपके प्रकार की बहुत अलग अलग तरीके की राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उनका व्यापक विभाजन करके आपको सारी चीजें बहुत व्यापक तौर से बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट रहना है आपको, सारी बातों को बहुत ढंग से सुनते रहना है। जिन बिंदुओं को मैं आपको बता रहा हूं कि यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ जाना कि वह परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और आएंगे, ठीक है। यहां से पावर ऑफ प्रेसिडेंट से दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, कौन सी कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, कौन सी दंड के लिए जो आपका क्षमादान है इसको लेकर शक्तियां हैं, ठीक, अध्यादेश जारी की शक्तियां क्या हैं, आपातकालीन प्रावधान क्या है, इन सभी पर बहुत व्यापक तरीके से आज हम यहां परिचर्चा करेंगे। अभी भी टीम के द्वारा ये जो कोर्स है आपका पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी को लेकर के जितने भी लोग इन सारे लेक्चर्स को हमें डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं, आप सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोज को शेयर भी करिए क्योंकि यह निःशुल्क है। साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए अगर नोट्स बना नहीं पा रहे हैं तो सीधा पीडीएफ कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें जो क्लास होती है उसकी क्विज भी आपको एक्सेस हो जाएगी और हर एक क्लासेस की आपको बाकायदा अच्छी एक पीडीएफ गुणवत्तापूर्ण मिल जाया करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में भी सम्मिलित हो। इसमें जो जीएस की क्लासेस होती हैं ये बहुत ही आपके डीपली पढ़ाई जाती हैं आपको, ठीक है, ताकि आप अगर छोटी परीक्षा से बड़ी ही और बढ़े तो आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि हमें बेस की को अभी तैयार करना। जितना मैं बता रहा हूं ये है, आप ढंग से पढ़ रहे तो इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे लोग पीडीएफ प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए, खुद भी जुड़िए। ये जो हमारा प्रोग्राम है 499 रुपीज में 3 मंथ के लिए वैलिड प्रोग्राम है। 3 महीने तक जो भी हम क्लास करवाएंगे हर एक क्लास की आपको पीडीएफ जरूर उपलब्ध करवाएंगे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और जो वीडियोज हम दे रहे हैं, क्विजेस दे रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल रही, इन सभी का लाभ उठाइए, ठीक है। कोई भी चीजें आपको अन्य समस्याएं होती हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप परीक्षा प्लस जो है गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, वहां पर हर एक क्लासेस की आपको पूरी विधिवत प्लेलिस्ट और अलग अलग कोर्सेज परचेज करने के लिए भी सब कुछ उपलब्ध है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप parikshaplus.org पर जाइए, जहां पर हमारे सारे क्रैश कोर्स, ठीक है, ऐप पर भी लगे हैं और यहां पर भी, जिससे कि आप हमसे बेहतर ढंग से जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं आज प्रेसिडेंट के पावर के तौर पर। पहले ही मैंने बता दिया किन किन क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे यानी राष्ट्रपति की शक्ति को पढ़ेंगे भारत में, तो दो चीजों का जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले तो हम इसकी एग्जीक्यूटिव पावर को पढ़ेंगे, कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति की क्या है, ठीक है, कार्यपालकीय शक्तियों को पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ढंग से हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की क्या क्या है, ठीक है, विधायी शक्तियों को पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां क्या क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है, आपातकालीन शक्तियों को बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि इससे लेकर बहुत अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक, क्योंकि भाग 3 के साथ इसका रिलेशन आपका है ही। चौथी चीज हम इसमें देखेंगे कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, अध्यादेश जारी करने को लेकर कौन कौन सी पावर किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, मतलब किस किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के दी हुई है, इन सभी को हम बहुत अच्छे से तरीके से सीखेंगे कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल में विभेद करके कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल में आपकी विभेद के तौर पर आती हैं। इसके बाद हम अगली चीज देखेंगे जो इसमें होगा, अध्यादेश जारी करने के बाद राष्ट्रपति की क्षमादान करने की
कितने तरीके की शक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग वह किन किन आधारों पर करता है। क्षमादान में बहुत सारे इसके विभिन्न रूप हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मृत्युदंड को जो है राष्ट्र क्षमादान दे दे वही है, बहुत अलग तरीके की है। वही चीज मैं बता रहा हूं कि आज हमें बहुत व्यापक तौर पर समझना है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट चुना है कि राष्ट्रपति की शक्तियां किन किन आधारों पर क्या क्या हैं, इन्हीं को बहुत विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो आपके नए व्यूवर्स होते हैं चैनल पर, भैया बिना कहे चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि डेली बेसिस पर जितनी हम क्लासेज आपको उपलब्ध करवाते उन सभी क्लासेज की आपको सूचना मिल जाया करे समय पूर्वक। ठीक है, तो चलिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे दिए हैं जो अनुच्छेद स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्ति का जो प्रयोग होगा वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो सरकार होती है वह करती है, यानी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं और ये लोग होते हैं ये है राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसी चीजें भारतीय संविधान में आपकी दी हुई है। यानी अपने यहां का राष्ट्रपति जो कुछ है वो क्या है, एक तरीके से रबर के स्टाम्प जैसा बिहेव करता कि राष्ट्रपति यहां पर अपना है तो वास्तविक प्रमुख, ठीक है, मतलब बनाया तो गया उसे कि हाँ आप देश के सर्वोच्च जो है पद पर आसीन हैं, हर एक चीजें आपके नाम से हम करेंगे, विदेश के जो समझौते होंगे करेगा प्रधानमंत्री लेकिन होते हैं राष्ट्रपति के नाम से, तो इन्हीं सारी चीजों पर आज हम बहुत व्यापक परिचर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जीएस के जब आपका सेकेंड पेपर आप उठाएंगे मेंस में तो इससे संबंधित भी सवाल होते हैं कि राष्ट्रपति की विवेचनीय शक्ति पर प्रकाश डालिए, राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्ति पर जो है प्रकाश डालिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये ऐसे सवाल आपके सेकेंड पेपर में देखने को आपको मिलेंगे आगे, तो यहीं से बेस आपका यहीं से है उसका भी। ठीक है, बस उसमें चूंकि जब ऐसे पॉइंट पूछ लेता है तो वहां पर हमें उसी लिमिट में कुछ डायमेंशंस को देखते हुए कवर कर देना होता है। मान लीजिए वर्तमान में कोई घटनाएं हैं वो सब आपकी चीजें तब रहेंगी। आज मैं बढ़ता हूं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, इन्हीं को हम दो चीजों में लेकर कंपेयर करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इसकी तुलना जरूर करेंगे। समझिए अनुच्छेद 53 को। सबसे पहले अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा बोलता तो आर्टिकल जो 53 है अनुच्छेद 53 है ये संघ की जो यूनियन आपकी गवर्नमेंट है उसकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर को किसमें, राष्ट्रपति में निहित बताता है। दूसरी बात, संविधान में कार्यपालिका की शक्ति को कोई परिभाषा नहीं दी गई। अगर आपसे पूछ ले कि कार्यपालिका की शक्ति क्या है, भारतीय संविधान किन किन जो है पावर्स को कार्यपालकीय शक्ति के रूप में परिभाषित करता, तो संविधान में कोई भी परिभाषा कार्यपालकीय शक्ति को लेकर नहीं है। अगली चीज समझिए, सामान्य तौर पर जनरल वे में जो हम करते हैं कि कार्यपालकीय शक्ति क्या होगी, विधायी शक्ति क्या होगी, इनमें नीति का निर्धारण और निष्पादन दोनों आते हैं कि पॉलिसी जो आपकी बनती है इसका निर्धारण कैसे होता है, डिसीजन कैसे लिया जाता और इसका निष्पादन कैसे होता है, इस पर कार्य कैसे होता है, उसको प्रभाव में कैसे लाते हैं, इन दोनों को साथ लेकर हम जनरल वे में यहां पर कार्यपालिका शक्ति को लेकर अपना आकलन करते हैं। अगली बात, कार्यपालिका की शक्ति में वह सभी शक्तियां मानी जाती है जो विधानमंडल और न्यायपालिका में निहित नहीं है। क्या विधानमंडल और न्यायपालिका में जो शक्तियां उसके दायरे में नहीं है, बाकी बची जितनी शक्तियां होती हैं वो सभी कार्यपालकीय शक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं अपनी समझ के अनुसार, भारतीय संविधान कोई विभेद नहीं करता है। इसके अंतर्गत विधान प्रारंभ करना, विदेश नीति का निर्धारण करना और सामान्यतः राज्य के क्रियाकलाप चलाना यह कार्यपालकीय शक्ति के अंतर्गत माने गए हैं। क्या क्या, एक तो आपका विधान प्रारंभ करना, दूसरा विदेश नीति का निर्धारण, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, इन सारी चीजों को लेकर डिप्लोमेसी जो होती है इनको तैयार करना, और तीसरी बात होती है कि राज्य के क्रियाकलाप कैसे चल रहे हैं, इन सारी चीजों को देखना, समझ गए, इनको हम कार्यपालकीय शक्ति के अधीन सामान्यता रखते हैं। राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त है, वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु इस शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है हमारे यहां, वह करती है। अब हम बात करते हैं कार्यपालकीय शक्तियों की, कि क्या शक्तियां कार्यपालकीय हैं, उसमें कैसे वर्किंग होती है। समझिए, अनुच्छेद 53 आपका कहता है कि केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है यह राष्ट्रपति में निहित है, वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक। अगली चीज, प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, तथा उनके विभागों का वितरण भी करता है कि यह विभाग फला फला लोगों को दिए जा रहे। अमेरिके की राष्ट्रपति को अगर देखें, ठीक, यहां पर तो विभाग मंत्रियों को बांट दिए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, लेकिन जब आप बात करोगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सभी विभागों का स्वयं नियंत्रण रखता है, सारे विभाग उसके अंडर कंट्रोल में होते हैं। भारत का राष्ट्रपति सरकार के विभागों का नियंत्रण और अधीक्षण स्वयं नहीं करता, इसके लिए उसके अधीन का अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के माध्यम से वह समस्त इन सारे कार्यों पर नियंत्रण और अधीक्षण रखता है। अगली बात, आर्टिकल 77 की अनुच्छेद 77 कहता है कि संघ के सभी कार्यपालिक कार्य जो होंगे, ठीक है, यह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते। किसके? अनुच्छेद 77, याद रखना, जितने भी कार्यपालकीय कार्य होते हैं संघ के, वह सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु यह अभिव्यक्ति केवल औपचारिक होती है। मतलब नाम तो राष्ट्रपति का होगा, लेकिन वह औपचारिक तक होगा, उसमें समझौते सब कुछ करने वाले सारी चीजें, यह सब पीएम के अंडर में होता है। अब अगले ही ध्यान रखिए, आर्टिकल 299 अनुच्छेद आपका क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता कि सभी संविदाएं, कोई भी अगर संविदा है और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र है, ट्रांसफर करना है संपत्ति को लेकर, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है ऐसी जहां पर कोई बात हो, या पट्टा हो गया, ठीक है, जो लीज होता है, विक्रय विलेख हो गया, ये सब आपके लॉ के टर्म है, ठीक। विक्रय विलेख पत्र क्या होता है? जो दस्तावेज आप तैयार कराते हो जब कोई चीजें क्या करते हैं, बेचते हैं, वहां पर जो पत्र तैयार होता वह विक्रय विलेख के अंतर्गत आता। ये दस्तावेज जहां होंगे, जो भारत सरकार की ओर से किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, भारत सरकार ने पट्टा पर लिया या भारत सरकार ने क्या किया, विक्रय विलेख किसी से क्या कहीं पर साइन हो रही, तो वहां याद रखना हमेशा ये सब कुछ आपके राष्ट्रपति के नाम से किए या लिखे जाने चाहिए और विहित रीति से निष्पादित होने चाहिए। मतलब जैसा कि प्रावधान है, उन रीतियों का पालन करते हुए हर एक कार्यों को किया जाना चाहिए, निष्पादित होना चाहिए। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति को संघ के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है, यूं ब्रिटिश सम्राट के समान परामर्श और चेतावनी देने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में, किसमें? प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है, जो इस प्रकार है। अब भारत का आपसे सवाल पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है, तो यहां पर समझ लो राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। सबसे पहले नियुक्ति में, ठीक, आपकी हेडिंग बनेगी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने वाले प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख पद, ठीक है। उनमें सबसे पहला आता है आपका, जो मैंने बताया कि जब लोकसभा में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो दल सत्ता में आया, यानी जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ, मेजॉरिटी में रहा, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता और संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगली चीज, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरी चीज समझिए, जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप बोलते हैं कैग, बोलते हैं कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगली चीज समझिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
पांचवी जो नियुक्ति होती है ये राज्यपालों को लेकर और उपराज्यपाल तथा प्रशासक जो होते हैं इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। छठी जो नियुक्ति होती है वह होता है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति में सदस्य अध्यक्ष, इन सारी चीजों को बनाना ये सब कुछ राष्ट्रपति के अधीन है। अगला जो सातवां इसकी नियुक्ति का प्रावधान है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर के है, मतलब जितने व्यक्तियों की नियुक्ति करता है सब एक जगह पर है। आराम से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां से आपको ये नहीं सोचना होगा मतलब दो बातें हमने पढ़ ली दो छोड़ दी फिर कहीं पर प्रश्न आ गया तो हम फिर खोजते हैं इसकी नियुक्ति करता है कि नहीं, इसीलिए सारी चीजें एक साथ समझिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को भी यही नियुक्त करता प्रेसिडेंट आपका। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति आप कौन करता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। साथ ही साथ अगर भाषाई अल्पसंख्यक देखें जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी आपका प्रेसिडेंट ही करता है। तो इतने सारे पदों पर हमने बात कर लिया जहां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की ठीक है नियुक्ति की जाती है, क्योंकि यह अधिकार भारतीय संविधान किसको देता, भारत के राष्ट्रपति को देता है। साथ ही इस बात को आपको जरूर याद रखना है कि ये जितनी नियुक्तियां हो रही ये सभी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, किस पर, मंत्री परिषद की सलाह पर या संविधान के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात ही की जाती। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट के मोड में आता रहा और प्रेसिडेंट एक एक को उठा उठा के अपॉइंट करते रहे, इसमें सलाह कंपलसरी है, बाध्यता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करता, राष्ट्रपति को उपयुक्त अधिकारियों को हटाने की भी शक्ति है ठीक, लेकिन उनके लिए अलग अलग शर्तों का होना जरूरी। अगली चीज समझिए राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स क्या हैं, सैन्य शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या आपके अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में, समझिए इसको। सबसे पहली चीज आप यह ध्यान रखना आर्टिकल 53 बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों जिनमें थल सेना वायु सेना और जल सेना तीनों का समावेश है का प्रधान सेनापति होता है ठीक है। प्रधान सेनापति होगा भारत का राष्ट्रपति, उसे युद्ध और शांति की घोषणा दोनों करने का, युद्ध की घोषणा कौन करेगा राष्ट्रपति, शांति की घोषणा कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा, और सैन्य बलों की तैनाती आदि का आदेश देने की शक्ति किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, समझ गए। अगली चीज हमारे संविधान में रक्षा बलों पर आदेश विधि द्वारा विनियमित होता है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, हमारे संविधान में जितने भी रक्षा बल हैं आपके इन पर आदेश विधि द्वारा विनियमित होता लागू होता है ठीक है, लॉ के द्वारा। यही चीज है जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करती तब तक रक्षा बलों पर कोई व्यय नहीं किया जाता है। संसद रक्षा बलों पर अगर व्यय करना चाह रही तो उसके लिए इसको विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, मतलब क्योंकि विधि द्वारा विनियमित होता है हर एक चीजें रक्षा बलों को लेकर के, इस प्रकार संसद बजट पर नियंत्रण से सैन्य बलों पर नियंत्रण रखती है ठीक है। सैन्य बलों पर नियंत्रण की संसद रखती है, बजट पर नियंत्रण करके संसद सैन्य बलों पर आपका नियंत्रण का प्रावधान करती है। अगली चीज है राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की क्या क्या हैं, इनको समझ लो भैया। राजनयिक शक्तियों में सबसे पहले चीज याद रखना जहां पर रिलेशन की बात होती है राजनयिक संबंधों की, इनके अंतर्गत वह सभी संबंध आते जो कोई भी राष्ट्र विदेशों के साथ रखता है ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भी शामिल है, यह सब कुछ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होता। इन शक्तियों में अन्य देशों के साथ सम्मेलन कोई है, उनके साथ संधि है, उनका जो है अनुमोदन, यह सब कुछ प्रेसिडेंट को भारतीय संविधान देता है अधिकार, समझ गए। अगली चीज समझिए यह सब कुछ राजनयिक शक्तियां हैं, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि के लिए वार्ता करने का काम राष्ट्रपति पर निर्भर होता है ठीक है। द्विपक्षीय संधि होनी है किसी देश के साथ या बहुपक्षीय संधि का मामला है वहां प्रेसिडेंट पर यह सब कुछ डिपेंड होता। राष्ट्रपति विभिन्न देशों के लिए भारत के प्रतिनिधि राजदूत उच्च आयुक्त काउंसिल आदि की भी नियुक्ति करता है। यौम देश जो अन्य देश है इनके प्रतिनिधियों का औपचारिक स्वागत भी करता है, राष्ट्रपति भवन में सभी का स्वागत होता है समझे। परंतु विदेश नीति निश्चित करने में संसद ही सर्वोपरि होती है, इस बात को याद रखना।
फॉरेन पॉलिसी अगर हमें बनाना है तो वहां सर्वोच्च संस्था संसद होगी, ना कि प्रेसिडेंट को जैसा लगा उस अनुसार फॉरेन पॉलिसी निर्माण कर दिया, ठीक है। और इन सभी विषयों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है फॉरेन पॉलिसी में। अगली चीज हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो। विधायी मतलब विधि को लेकर के, कानूनों को लेकर के राष्ट्रपति को क्या क्या पावर भारतीय संविधान देता है। यहां पर सबसे अहम रोल होता है आर्टिकल 79 का। आर्टिकल 79 आपका कहता, अनुच्छेद आपका 79 क्या बोलता कि राष्ट्रपति संसद का अंग है और संसद द्वारा राष्ट्रपति और दो सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद किससे मिलकर, मैंने सबसे पहले ही समझाया था, इस कारण राष्ट्रपति के पास बहुत सी विधायी शक्तियां होती हैं जिनका वह प्रयोग करता। इनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज आती है जहां से सवाल आपसे बनता भी है कि संसद को आहूत कौन करता और सत्रावसान कौन करता। यह दोनों पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के सत्र को आयोजित करने और उसे समाप्त करने की शक्ति होती है। लाइनों को बहुत ढंग से समझना, क्योंकि भैया यहीं से सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। आर्टिकल 85 कहता, अनुच्छेद 85 बोलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता। पूछता है लोकसभा का विघटन कौन करता है निम्न में, तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमत होने की दशा में उस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो यह पूछता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता, राष्ट्रपति बुलाता, और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। समझ गए, कब होगा, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, वह पारित नहीं हो रहा, उस दौरान राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह दोनों सदनों को क्या करे, दोनों सदनों को आपको संयुक्त बैठक बुलाकर उस विधेयक को पारित करवा सकता है। अगली चीज समझिए, अभिभाषण और संदेश राष्ट्रपति के कब आते हैं, यह भी एक पावर के अंतर्गत है भैया। जब मान लो कोई भी लोकसभा का सत्र प्रारंभ होना है, लोकसभा का निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के पश्चात पहला सत्र का आयोजन हुआ, ठीक, इसके प्रारंभ पर और प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर राष्ट्रपति एक साथ संवेद संसद दोनों सदनों को संबोधित करता, यानी दोनों सदनों के सांसद इकट्ठा होते, उन दोनों को राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित करता है हर एक वर्ष। और लोकसभा, जब नई लोकसभा का गठन हुआ चुनाव के बाद, तो जब सत्र प्रारंभ होता है पहला, तो वहां पर, ठीक है, हर वर्ष भी करेगा और नई लोकसभा के सत्र प्रारंभ पर राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को क्या करेगा, सबसे पहले दोनों सदनों को एक साथ क्या कर देगा, संबोधित करेगा। जिसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन कहां पर मिलेगा, आर्टिकल 87 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद को उसके आह्वान का कारण बताना होता है कि आपको किस लिए यहां बुलाया गया, आह्वान किया गया। देवी देवताओं को हम आह्वान करते नहीं है, ठीक है, यज्ञ वगैरह के माध्यम से। राष्ट्रपति केवल एक सदन या दोनों सदनों में से एक साथ अभिभाषण दे सकता, वो उस पर डिपेंड होता है कि वो चाहे तो दोनों में दे दे, चाहे एक में दे, उस पर डिपेंड है। वह किसी भी सदन को किसी विधेयक के संबंध के या अन्य प्रयोजनों के लिए संदेश भेज सकता है, यह भी उसको पावर है प्रेसिडेंट को। अगली चीज समझना, हमारी संसदीय प्रणाली जो है इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, के सुझाव के अनुसार ही कार्य करता है। अपने यहां जो प्रेसिडेंट की का पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट उस पद पर बने रहते हुए भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सुझाव पर कार्य करता, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम ही होती कि राष्ट्रपति किसी सदन में कोई सुझाव दे या संदेश भेजे। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने किसी भी सदन में कोई संदेश नहीं भेजा, जबकि इसके विपरीत अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी संदेश भेजने की शक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करता है। वो हमेशा भेजा करता है कि इस पर जो है विचार होना चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए, ठीक, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अब नाम निर्देशन की पावर होती है किसको, प्रेसिडेंट को अपने। इसको पढ़ लो कि नाम निर्देशन को लेकर के भारत के राष्ट्रपति की क्या पावर है। लोकसभा का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता, राज्यसभा अस्थाई निकाय है, मतलब ये हमेशा बरकरार रहती है, इसमें ऐसी व्यवस्था है कि ये चेन कभी आपकी टूटती नहीं है। इसका विघटन नहीं होता, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य, कितने, एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात
सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसकी चेन को ऐसी बनाया गया, ठीक, उनके स्थान पर नए आ जाते, फिर अगले दो वर्ष बाद एक तिहाई हो जाते उनके स्थान पर, इस तरीके से हमेशा राज्यसभा में चलता रहता है। अनुच्छेद 80 आपका बोलता है, आर्टिकल 80 बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य कौन कौन सा, याद कर लो, साहित्य है, ठीक है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा कला है, चौथा समाज सेवा है, चार क्षेत्रों के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट कर सकता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331, कौन सा अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन जो आपकी कम्युनिटी है, इसके अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकता। तो 12 वो और 2 ये 14 व्यक्तियों को, याद रखना, पूछता है कि राष्ट्रपति सदन में, संसद में कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर, मतलब नाम निर्दिष्ट करता, तो वहां 14, और जहां स्पेशली पूछ लिया लोकसभा में राज्यसभा में, तो वहां 12 और 2 देखकर टिक करना, नहीं तो गलत कराओगे। प्रतिवेदन और कथन रखना, इसके आशय को ढंग से समझते हैं कि प्रेसिडेंट प्रतिवेदन में क्या क्या चीजें रखवाता है, क्या उसके दायित्व अधिकार के अंतर्गत हैं, और कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत आते हैं जब बात हम करते हैं संसद के सदन के पटल की। यहां पर समझना एक चीज, यहां समझिए, मैंने आपको बोला कि प्रतिवेदन में मैंने कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट को लेकर, तो हमेशा आप जानते हो, मैंने पढ़ाया भी है कि जहां अधिकार की हम बात करेंगे वहां दायित्व आना जरूरी है। तो यहां पर दायित्व वही चीजें हैं, संविधान और कुछ जो अधिनियम है इनके अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, राष्ट्रपति की यह ड्यूटी है, क्या कि वह संसद के समक्ष निम्न कागज पत्र रखवाए, ठीक है, और भारत सरकार के जो आपके कागज पत्र ये सब कुछ होते हैं ये क्या कहलाते हैं, भारत सरकार के, जैसे हर एक जगहों पर हर एक देश के जो विशेष कागजात होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, उनको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं, आप लोग पढ़े भी है, ठीक, तो भारत सरकार के क्या होते हैं, इनके नाम आपको कमेंट कर दें अगर आपको आता है, ठीक। अगली चीज यहां पर समझिए, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन आपको यह जरूर कमेंट करना है कि भारत सरकार का जो सरकारी आपका लेखा जोखा सब कुछ होता है, उस उन सारे कागजात को क्या कहते हैं, ठीक है, उदाहरण दूंगा तो अभी बता दोगे, सोचो। अगली सबसे पहली चीज समझो, भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के पटल पर क्या रखवाता, अनुच्छेद 112 कहता है कि जो सरकार के साल भर का खर्चा होता, वित्तीय विवरण होता, बजट होता, ये रखवाता है राष्ट्रपति, उसका ये दायित्व है। तो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में है, नियंत्रक महालेखीय लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है हर साल, यह अनुच्छेद 151 में दिया हुआ है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है। अगली चीज, वित्त आयोग की सिफारिशें जो होती है, अनुच्छेद 281 में इसका प्रावधान है, इसके अंतर्गत जो सिफारिश आई वित्त आयोग की उनको संसद के पटल के समक्ष रखवाता है। अगली चीज, अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो होती है उसको राष्ट्रपति जो है सदनों के पटल पर रखवाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट होती है, जो अनुच्छेद 340 में आपका व्यक्त है पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के पटल के समक्ष रखवाता है। अगली चीज, 348 में जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग की रिपोर्ट है, इसको भी प्रेसिडेंट सदन के पटल पर रखवाता है, ठीक। एक आपका अनुच्छेद 349A में वर्णित है कि इसके अनुसार संविधान के अंग्रेजी भाषा में किए गए संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित करवाता कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, जो अंग्रेजी भाषा में आपके संशोधन किए गए उसका हिंदी भाषा में अनुवाद भी राष्ट्रपति क्या ही क्या होता है, एक तरीके से दायित्व होता है, समझ गए। तो ये प्रतिवेदन और कथन को लेकर इतनी सारी शक्तियां थी जिनके सामने मैंने अनुच्छेद भी लिख दिए, अगर आप उनको ध्यान देते हो तो हमेशा आप भविष्य में इन चीजों में कभी गलतियां नहीं होंगी। अब कुछ चीजें पूर्व मंजूरी को लेकर के राष्ट्रपति की पावर में है, उनको समझ लो कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी किन किन चीजों के लिए हमें आवश्यक पड़ता है या इनकी आवश्यकता पड़ती है। जो इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इसमें यह अपेक्षा है कि कुछ विषयों से संबंधित विधान की पूर्व मंजूरी, विधान का मतलब लॉ अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए पूर्व मंजूरी चाहिए या सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किया जाता, ठीक। अगर आपको किसी नए विधान पर, विधान को संसद के सदनों के पटल पर लाना है तो वहां पर बिना पूर्व मंजूरी के उस लॉ को बनाने के लिए, उस जो बिल होगा सदन में पेश होगा उसके लिए मंजूरी चाहिए, पूर्व से ही मंजूरी चाहिए, तभी आप सदन के पटल पर उस बिल को ला सकते हैं।
अब वो बिल कौन कौन से होते हैं इनको समझो। सबसे पहली चीज होती है आर्टिकल जो आपका 3 जो मैंने आपको पढ़ाया भी कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य की रचना करनी है इसके लिए कोई बिल लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, ये भारतीय संविधान प्रावधान करता है। दूसरी बात समझिए, धन विधेयक को लेकर के जो आर्टिकल 117 के ए में विधिवत आपका व्यापक है, अगर धन विधेयक को लेकर के कोई प्रस्ताव आना है तो इसके लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति जरूरी है। अगली चीज समझिए, अनुच्छेद 117 का तीसरा जो आपका सबसेक्शन है भाग है, यह कहता कि ऐसा कोई विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, तो संचित निधि से व्यय का जहां भी अगर कोई विधेयक आएगा तो उसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए, याद रखना हमेशा, पूछा भी है। अगली चीज, कर से संबंधित टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपका ऐसा विधेयक है जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हुआ है, ठीक है, राज्यों के लाभ जुड़े हुए हैं या जिनसे राज्यों को धन वितरित किया जाता है या कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो तो वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बिना बिल आपका संसद के सदन के पटल पर नहीं आएगा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 274 के जो है ए पार्ट में किया गया है। अगली चीज समझियो, और कौन सा है, अब आप याद कर लीजिए अनुच्छेद 304 क्या कहता है कि राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो ऐसा कोई बिल अगर सदन में आपको सदन के समक्ष रखना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो समझ गए किन बिल को सदन में पेश करने पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। अगली चीज समझना, राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी पावर होती है कि वह किसी विधेयक पर अनुमति दे और अनुमति से उस जो है रोक भी सकता है अपने आप को, ये भी पावर है, ठीक। इन्हीं पावर को बहुत अच्छे से आगे चल के वीटो पावर नाम दे दिया गया, ठीक, कि राष्ट्रपति की ये वीटो पावर्स हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीटो पावर है, वीटो पावर को कई अलग अलग सेक्शन में कई अलग अलग जो है विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया है, इनको आपको समझना है कि जैसे हम वीटो पावर पढ़ लेते हैं, अच्छा संसद को राष्ट्रपति को वीटो पावर, वीटो पावर में क्या होता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा समझे तो पॉकेट वीटो समझ लेते हैं, किसने उपयोग किया यह समझ लेते हैं बस, वहीं पर यहां पर समझो और अच्छे से। देखो भैया, संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को अगर पारित करने के पश्चात कोई बिल है वो बिल पारित हो गया दोनों जो है संसद के दोनों पटल से, इसके पश्चात भी कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती। राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी जरूरी है अगर किसी बिल को लॉ में कन्वर्ट होना, एक्ट में कन्वर्ट होना। तो क्या होता है, दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता और इस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा गया कि यह बिल दोनों सदनों ने जो है पारित कर दिया है, इस पर महोदय आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका हस्ताक्षर चाहिए। अब राष्ट्रपति के समय जब समक्ष जब वो बिल आ गया तो राष्ट्रपति के पास क्या चीजें है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या वो डिसीजन उन पर ले सकता, समझिए। सबसे पहली चीज होती है वह उस बिल को अनुमति दे दे, सिग्नेचर अपना कर दे। दूसरा क्या कर सकता, विधेयक पर अनुमति से रोक लगा दे, कह दे ठीक वो विधेयक पर अपना सिग्नेचर ना दे, मंजूरी ना दे। तीसरी बात क्या कर सकता, वह विधेयक को फिर से वापस कर दे, पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों को लौटा दे कि इस पर पुनर्विचार करिए, क्या ये चीजें सारी जो कुछ आप लोगों ने पॉलिसी बनाई ये सब कुछ हर एक लोगों के हितों से, ठीक है, हितों के संरक्षण से जुड़ा है, हितों का को संरक्षित करता है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो जैसा विधेयक है, ठीक। लेकिन तीन तो ऑप्शन उसके पास दिख गए, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन ये याद रखना राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, हमेशा दिमाग में बना लो। धन विधेयक अगर है, क्योंकि उस पर तो राष्ट्रपति ने पूर्व मंजूरी दी है, जो भैया आपने पहले कह दिया कि ठीक है ऐसा तुम काम कर लेना और उसने काम कर लिया तो आप कहोगे कि क्यों कर लिया, आपने पूर्व मंजूरी दी है, तो राष्ट्रपति जब धन विधेयक पर पहले पूर्व मंजूरी दे देता तो उसको वो लौटा नहीं सकता, सवाल पूछा है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया जाए, पूछता है सवाल कि मान लो राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस किया और दोनों सदनों ने उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति अब उस पर क्या निर्णय ले सकता, यह चीज ध्यान रखना हमेशा। प्रेसिडेंट जब पुनर्विचार के बाद फिर से विधेयक आ जाएगा तो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक।
पुनर्विचार के लिए अगर विधेयक वापस आया तो प्रेसिडेंट को उस विधेयक पर अब पुनर्विचार के लिए कोई आपका जो है रास्ता नहीं बचता, उसको अनुमति देना ही पड़ेगा उस विधेयक पर। समझ गए? अगली चीज समझिए, मई 2006 की बात है, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने संसद के निर्हरता निवारण विधेयक 2006 पर इसको पुनर्विचार के लिए लौटाया था। ठीक, तो 2006 के बाद ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको लौटाया था, याद रखना। अब हम बात करते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, इंडियन प्रेसिडेंट को कौन कौन सी वीटो पावर मिल रखी है, किन वीटो पावर का उपयोग आज तक हुआ है, किन किन प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है, ठीक, कौन कौन से ऐसे बिल है, इन सभी पर हमें व्यापक चर्चा करनी है। समझ लो, कार्यपालिका द्वारा किसी विधान का मतलब लॉ, कानून, ठीक है, विधान को अनुमति देने या अनुमति रोक लेने की शक्ति को वीटो कहते हैं। वीटो क्या है, अब से एक लाइन में पूछे तो किसी लॉ को, ठीक, लॉ को पारित कर देना, कानून बनने देना या कानून बनने से रोक देना क्या है, वीटो है। समझ गए? इस शब्द का प्रयोग उन परिस्थितियों में भी किया जाता जहां अनुमति जो है तुरंत नहीं ली जाती है, वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग कर लेते। वीटो का प्रयोग सामान्यतः ऐसे विधान को बनने से रोकने के लिए किया जाता है जिन पर भली बात विचार नहीं किया गया हो। मान लीजिए बहुत हड़बड़ी में कोई विधेयक पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं तुरंत उठाक मंजूर कर देगा, वो उसके लिए पुनर्विचार के लिए या रोक ले अपने पास कुछ भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीटो को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता। अब हम वीटो की पावर्स का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला जो वीटो का होता है इसको बोलते हैं आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। क्या होता है इसको समझो, इसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया एब्सोल्यूट, ठीक है, प्रयोग किया गया, इसको समझिए। राष्ट्रपति को सदन के जो संसद के दोनों सदन हैं इसके द्वारा कोई पारित विधेयक है, मान लो, ठीक, कोई बिल को दोनों ने पारित कर दिया, को अनुमति देने से इंकार करने की शक्ति है, इंकार कर सकता है कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, और ऐसा करने पर वह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, वह विधेयक एक्ट नहीं बनेगा, बिल वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। संसद इस शक्ति को कम नहीं कर सकती है, यह भी बात है, क्योंकि संसद के पास पावर है ना संशोधन की, अब वो इस शक्ति को कम नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को सभी विधेयकों के बारे में यानी प्रेसिडेंट को जो संसद में जितनी भी पावर्स दी गई है भारतीय संविधान में, संसद चूंकि कर सकती है सभी में संशोधन, लेकिन राष्ट्रपति की इस पावर को लेकर कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। अगली बात यह याद रखना कि संसद इस शक्ति को, साथ ही साथ राष्ट्रपति को सभी विधेयकों के बारे में यह शक्ति दी गई है पुनर्विचार और ये सारी चीजें, लेकिन धन विधेयक के बारे में ऐसी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के, पहले से ही पूर्व मंजूरी चाहिए राष्ट्रपति को, उसके बाद ही आपके किसमें संसद के पटल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो भाई जब आपने पहले से मंजूरी दे रखी तो आप किसी को कैसे मना कर सकते हैं। अगली चीज पढ़िए, विशेषित वीटो मॉडिफाइड, यथा नाम है मॉडिफाइड, किसी चीज को जो है मॉडिफाई किया गया है, इसको समझिए मॉडिफाइड वीटो क्या होता है प्रेसिडेंट का। हमेशा याद रखना कि इस प्रकार का जो वीटो होता है यह विधानमंडल के द्वारा बहुमत, विधानमंडल में बहुमत के द्वारा रद्द कर सकते हैं इसको। कैसे? मतलब प्रेसिडेंट ने वीटो पावर यूज करी फिर भी हम रद्द कर दे, समझ लो इसको ढंग से। अगर हम बात करें यूएसए की, अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पावर दी जाती है, पावर है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने परामर्श के साथ 10 दिन के भीतर लौटा देता है, अपना वो परामर्श देता, सजेशन देता कि इस विधेयक में ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक, यदि दोनों सदन उस विधेयक को 2/3 बहुमत, किससे? 2/3 से, कहां पर? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के उस जो है रोक पर, परामर्श पर। ठीक, अगर पुनः पारित कर दिया दोनों विधेयकों ने वहां पर यूएसए में, तो वह वीटो रद्द हो जाएगा प्रेसिडेंट का। इंडिया में समझ लो, भारत में हमें मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि 2/3 से ही पारित हो वो विधेयक। ठीक, प्रेसिडेंट ने रोका है, लौटाया है, तो संसद के दोनों सदनों ने फिर से उसको पारित कर दिया, तो वह राष्ट्रपति का जो पावर थी वीटो की, वो मॉडिफाइड वीटो की, वो अपने आप समाप्त हो जाती। भारत में विशेषित वीटो का इसीलिए प्रयोग नहीं किया जाता, यूएसए में होता, अपने यहां नहीं होता। तीसरा होता है निलंबनकारी वीटो, किसी चीज को निलंबन करना, रोकना, समझिए इसको।
इस प्रकार के वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते समय करता है। निलंबन करना है यानी अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, ठीक। और जब लौटाएगा तो इस प्रकार के वीटो को साधारण बहुमत द्वारा रद्द किया जा सकता, सिंपल जो है मेजॉरिटी हो जाए और उसको रद्द कर सकते हैं। 2/3 नहीं चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझना। अगला है जेबी वीटो। जेबी वीटो जो होता है भैया, इसको ढंग से समझना, संविधान के अंतर्गत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या ना देने के लिए अपने यहां कोई समय सीमा नहीं है कि तुम्हें 14 दिन के भीतर जवाब देना, तुम्हें 30 दिन के भीतर बताना, तुम्हें 3 महीने के भीतर बताना, ऐसा कोई भी प्रतिबंध भारतीय राष्ट्रपति को नहीं है, ठीक। समझिए, वो जब चाहे, कोई विधेयक गया उससे संसद से पास होके उसके समक्ष, उस वो चाहे तो भाई मंजूरी दे, चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और जब पुनर्विचार के लिए लौटाता ही नहीं ना मंजूरी देता, अपने पास रख लिया, ठीक। तो ऐसा जो विधेयक होगा या जेबी वीटो के अंतर्गत आता है, समझ गए। ऐसी जो पावर है प्रेसिडेंट की या जेबी वीटो कहलाती है, उसने अपने पास रख लिया, ना पुनर्विचार के लिए लौटाया ना मंजूरी दी। इसका प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक। ज्ञानी जयल सिंह आपके प्रेसिडेंट थे और राजीव गांधी की सरकार में एक विधेयक आया था प्रेस को शायद जो है आपका नियंत्रण करने का, तो उस विधेयक को अपने पास उन्होंने रख लिया, वापस भेजा ही नहीं, ना तो मंजूरी दी और ना तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस किया, तो वह चीजें वहां पर प्रयुक्त हुई थी। अगला समझो, राज्यों के विधान को लेकर के राष्ट्रपति की पावर क्या है। अपने यहां राज्यों को विधान के लेकर के राष्ट्रपति की पावर क्या क्या है, ठीक, इसको ढंग से समझना। सबसे पहले पढ़ लो अनुच्छेद 200। इसमें भैया अनुच्छेद 200 जो है राज्य के राज्यपाल को पावर देता है कि राज्य का जो राज्यपाल है वह किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने की शक्ति है, उसको आर्टिकल 200 बोलता। अथवा वो राज्यपाल क्या कर सकता कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है, ठीक। या उसके पश्चात राष्ट्रपति क्या करता है, या घोषणा करता है कि इस विधेयक पर अनुमति दी गई है या इस विधेयक पर अनुमति रोक ली गई है, यह प्रेसिडेंट घोषणा करता है, ठीक। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को अपने पास रखता, तब राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश भी दे सकता है कि विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए, ऐसा कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक। और यदि विधानसभा द्वारा विधेयक पुनः पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष आ गया, अब लोकसभा वाला तो आपने पढ़ा कि दोनों सदनों ने पुनः पारित करके भेज दिया, तब तो प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी है। लेकिन अगर किसी विधानमंडल के साथ ऐसा हुआ है और विधानमंडल ने पुनः पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया, तो यह कंपलसरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे। वहां पर कंपलसरी था, यहां नहीं है, ठीक, यहां पर। परंतु राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत धन विधेयक पर अनुमति नहीं रोक सकता है, राज्यों को लेकर के जो प्रावधान है, ठीक। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक के संबंध में भी जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक, मतलब अपने पास रख ले, ना पुनर्विचार के लिए लौटाए ना मंजूरी दे, ऐसा कर सकता है, ठीक है। परंतु संसदीय विधेयक की दशा में यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाता और सदन उसे दोबारा पारित कर देते, तो वीटो पावर रद्द हो जाती, ठीक। लेकिन विधानमंडल में ऐसा नहीं है और सदन उसे, और राष्ट्रपति क्या करेगा, जब वीटो पावर रद्द हो गई तो बाध्य हो जाएगा भाई, पावर उसको अनुमति देनी पड़ेगी। राज्यों के विधेयकों की दशा में राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके अनुमति को रोक सकता है, यह पावर है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगली चीज समझिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसको बहुत ढंग से समझना। आर्टिकल 123 पता नहीं कितनी बार पूछा है, अनुच्छेद 123 पता नहीं कितनी बार पूछा है, समझिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, समझिए। ये जो अनुच्छेद आपका 123 है, इसमें यह उपबंधित है, अनुच्छेद 123 में यह उपबंधित है कि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, कब, जब संसद के दोनों सत्र जो है प्रारंभ ना हो, चल ना रहे हो, या और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए उसे पूर्णतया, तब क्या करेगा कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, राष्ट्रपति को यह लग गया कि नहीं अब कार्यवाही करनी चाहिए भैया, तो उस दौरान क्या होगा, राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उसे उक्त परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होते हैं कि ऐसा अध्यादेश लाना सही रहेगा, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग संविधान का संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति चाहे तो संविधान का संशोधन कर ले, ठीक है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति कब करेगा, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती, उसे लगता है कि एक अध्यादेश जारी करना चाहिए, तो वो आर्टिकल 123 का प्रयोग करता, याद रखना आर्टिकल 123,
ठीक। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश उन्हीं पर जारी किए जाते हैं। अतः वह कोई ऐसा अध्यादेश उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने का अधिकार संसद को नहीं है तो वह शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक। इस प्रकार के अध्यादेश से मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। समझिए मूल अधिकारों को कितना बचाया गया कि ऐसी मान लो ऐसी परिस्थिति हो जाए तब भी आप सुरक्षित हैं, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति ने जारी किया कि भैया राष्ट्रपति ही मंजूरी देता तभी तो अधिनियम बनता, तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो उसका भी प्रभाव उतना ही होता है। अगली चीज समझिए, ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, ठीक। राष्ट्रपति ने कोई जो है अध्यादेश जारी किया तो वह संसद के समक्ष आएगा और संसद के पुनः समावेश होने की तारीख से सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 6 सप्ताह की जो है संसद जब से प्रारंभ हुई तो उसके बाद 6 सप्ताह की तक वो रहेगा, उसके बाद पुनः आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता, जब तक कि उसका अनुमोदन 6 सप्ताह के पूर्व दोनों सदनों द्वारा संकल्प लेकर ना पारित कर दे तो वह समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह से पहले सदन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह से पहले अगर दोनों सदनों ने संकल्प लेकर उसको पारित कर दिया तो वह अध्यादेश रहेगा, लेकिन अगर पारित नहीं किया तो वह अध्यादेश समाप्त तो हो जाएगा, याद रखना। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता, उसको जैसा उचित लगेगा वैसा करेगा। अगली चीज समझिए, भारत को छोड़कर किसी भी देश में कार्यपालिका को इस प्रकार की व्यापक विधायी शक्ति नहीं दी गई है। इस शक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता कि सरकार को प्रत्येक परिस्थिति से जो सामने आए निपटने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों का आह्वान करने और उस पर विचार विमर्श तक करने तक रुकना संभव ना हो तो वहां पर राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी करके कोई भी कार्य कर सकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई थी, हमारे संविधान ने उस उपबंध को अपना लिया। ये 1935 में था अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मैंने पढ़ाया भी है आपको उसमें जब सोर्सेस को मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। अगली चीज समझिए, क्षमादान की शक्ति, इसको समझना बहुत ढंग से। प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति, जैसे हम एक आध चीजें समझते हैं, यहां समझना हर एक वर्ड पर ध्यान देना। देखो अनुच्छेद 72 क्या कहता, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध जो है दोष सिद्ध ठहरा दिया गया किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, मतलब पैरडॉन्स, प्रालिंबन यानी रिप्राइव्स, विराम यानी रिस्पाइट्स या परिहार यानी रिविजन्स करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, सस्पेंशन, परिहार यानी रिमिट या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। एक पावर सिर्फ नहीं है कि मृत्युदंड को उसने क्या कर दिया, ठीक है, रोक दिया, बहुत सारी उसको पावर है प्रेसिडेंट को अलग अलग, इसी को समझना है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, समझिए, जब दंड किसने दिया हो, जब दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय ने दे दिया है, ठीक है, मिलिट्री जो कोर्ट है उसने कोई दंड दिया है तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर भी है। अगली चीज समझिए, दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार है, तब भी उसको क्या कर सकता, राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। अगली चीज समझिए, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्युदंड अगर मिला है, किसी को मृत्यु मिल गई है, डेथ पेनाल्टी मिल चुकी है, तो उसको भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता, ऐसा नहीं है कि उसको जैसा लगा। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल अमेरिकी फेडरेशन यानी केंद्र के विरुद्ध किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है और वह परीक्षण के दौरान और परीक्षण के पश्चात तीनों स्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब अपराध केंद्र के विरुद्ध अमेरिकी फेडरेशन के विरुद्ध किए गए हों तब वो ऐसा कर सकता, अपने यहां हर एक चीजों में दी गई है। अगली चीज समझो, क्षमादान क्या है, क्षमादान भैया एक अनुग्रह है, हम आपसे जो है अनुग्रह कर रहे, ठीक, याचना कर रहे, क्या, जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, एक अनुग्रह है क्षमादान, एक अनुग्रह है। आपको क्षमादान मांगना है तो आप कभी भी अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हो कि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता, आप हमें मृत्युदंड कैसे दे सकते हो, ना, ठीक। क्षमादान केवल दंड को ही समाप्त नहीं करता बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता जैसे कि उसने अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह निर्दोष हो जाएगा।
अगर प्रेसिडेंट ने क्षमादान दे दिया तो वहां समझ जाओ कि वह व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति के समान हो जाएगा। समझे? अगली चीज समझिए, लघुकरण क्या होता है, कम्यूट जिसको बोलते हैं। भैया लघुकरण का अर्थ होता है कि एक के बदले में दूसरा, अर्थात बड़े दंड को कम करना। जैसे कठोर कारावास है तो इसको साधारण कारावास में बदल दिया गया, यह कम्यूट कहलाता है, लघुकरण कहलाता, प्रेसिडेंट को यह पावर है। अगली चीज परिहार क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, इसको समझिए। दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम कर देना, ठीक है। जैसे एक वर्ष के दंड को घटाकर 6 माह कर दो लेकिन उसके प्रकृति में कोई बदलाव ना करो, ठीक, तो वो कहलाता आपका परिहार। अगली चीज समझिए, विराम क्या है, रिस्पाइट क्या है। रिस्पाइट का अर्थ होता कि किसी विशेष कारणों से दंड को कम कर देना, जैसे गर्भवती स्त्री के जो है मान लो उसको मृत्यु दंड मिला है तो इसमें इसको साधारण कारावास में बदल दे, ठीक है, ऐसी चीज है। इसके अंतर्गत दंड को कम भी किया जा सकता तथा उसकी प्रकृति को भी बदला जा सकता, यह विराम कहलाता है। समझ गए? अगली चीज समझिए, प्राविलंब क्या है, ठीक, जिसको हम रिप्राइव बोलते हैं। ये जो होता है ये मृत्यु दंड का अस्थाई निलंबन है, ठीक है, अस्थाई निलंबन। जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए, दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आवेदन कर दे तो उस समय अस्थाई निलंबन उस पर लगा दिया जाता कि इसको अभी तत्काल फांसी नहीं होगी, ठीक है। अगली चीज, क्षमादान का प्रयोग कैसे, परीक्षण के पूर्व, उसके दौरान और उसके पश्चात सभी स्थितियों में किया जा सकता है। अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल को किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के अपराध को क्षमा, प्राविलंब, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है 161 के अनुसार, किंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या पूछा है, ध्यान दो। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, यही अंतर है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के दंडादेश के मामले में, जैसे कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को सेना न्यायालय से संबंधित कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक। अन्य मामलों में मृत्युदंड के प्रालंबन, परिहार या लघुकरण के मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। इस शक्ति का प्रयोग भी अन्य शक्तियों के समान मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यपाल और राष्ट्रपति में भिन्नता है उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, दो मामलों में, एक सैन्य मामला और एक मृत्युदंड को वापस लौटाना। अगली चीज कहता है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर विचार करके निम्नलिखित सिद्धांत अभिकत जो है अधिकथित किए हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विचार दिए हैं। क्या क्या? जो याची राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करता है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई किए जाने का अधिकार नहीं है, उस पर उसे विचार करना चाहिए। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय अनुच्छेद 72 के अधीन शक्ति के प्रयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो है प्रतिपादित करे। ऐसा जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे ही करे, ठीक है, लेकिन कर दिया है, उसने किया है। अगली चीज समझिए, इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय सरकार की सलाह पर किया जाएगा। जो आपकी समाधान की शक्ति है भैया, राष्ट्रपति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अभिलेख पर जो साक्षी है उसकी समीक्षा करे और न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से भिन्न मत अपनाए। न्यायालय ने जो मत अपनाया है, जिस दृष्टिकोण को रखकर फैसला सुनाया है, उस दृष्टिकोण पर ही जो है राष्ट्रपति को, जरूरी नहीं कि उसी पर फैसला सुनाए। राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, याद रखना, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता अगर राष्ट्रपति ने उस शक्ति का प्रयोग कर लिया, ठीक है। राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण देने के लिए बाध्य भी नहीं कि उसने क्षमादान क्यों दे दिया, ठीक है। क्षमादान का न्यायिक पुनर्विलोकन, जो बात आई इसको समझो, अनुच्छेद 161 जो आपका है, जो राज्यपाल को पावर देता, और अनुच्छेद 272 है, ठीक, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति या राज्यपाल के क्षमादान आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता। आधार है, पुनर्विलोकन आपको जुडिशियल रिव्यू कराना है तो उसके आधार क्या है, आदेश पारित करने में विवेक का जब प्रयोग ना किया गया हो, ऐसा लगता हो तो इसको कर सकते हैं, ठीक। पुनर्विलोकन के लिए आदेश असद्भावना पूर्वक दिया गया है तो इसका प्रयोग हो सकता है। तीसरी चीज, आदेश बाहरी और पूर्णतया असंगत बातों पर आधारित है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया जा सकता। चौथी चीज, सुसंगत सामग्री पर विचार अगर नहीं किया गया तो वहां पर क्या किया जाएगा, उसको
पुनर्विलोकन के अंतर्गत लाया जा सकेगा। पांचवी बात, अगर आदेश मनमाना है तो वहां पर भी इसका प्रयोग हम कर सकते। अगली चीज समझिए, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है इसको समझिए भैया। संविधान में आपात की उद्घोषणा के तीन उपबंध हैं, तीन प्रकार के उपबंध हैं। ठीक, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352 में है। ठीक, किसमें? युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह से जो उत्पन्न हो गया आपातकाल, इसके बारे में अनुच्छेद 352 प्रावधान करता। राज्यों में संविधानिक तंत्र की विफलता हो गई, सरकार चल रही थी, सरकार नहीं चल पा रही, तो इससे उत्पन्न होने वाला जो आपात हुआ इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया। ये सभी की घोषणा, ये सब कुछ राष्ट्रपति को पावर है। कैसे समझ लो इसको, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर संकट है, या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा उसे यह समाधान हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, या ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है जो 352, 56 और 60 में दिए गए हैं। जहां ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है, प्रवर्तन का अर्थ लागू, ठीक, इनफोर्स, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए वह किसी न्यायालय के प्रचलन अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक, समझ गए, भाग 3 में जो आपको जितने अधिकार हैं वह भी निलंबित कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक, कुछ को छोड़कर। आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता, कब स्वतः निलंबित हो जाएगा, आर्टिकल 19, केंद्र सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वह अपने कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। ठीक है, इस समय संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती, लेकिन याद रखना आर्टिकल 20 और 21 कभी भी आपके जो है आपातकाल में भी यह कभी भी समाप्त नहीं होते, बाकी सभी हो जाएंगे लेकिन 20-21 कभी नहीं होगा, याद रखना। अगली चीज, प्रकीर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को कुछ मिली हैं, इनको समझ लो। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता, इसलिए उसे संविधान और संसद के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां इस प्रकार है। पहली तो है नियम बनाने की, लॉ बनाने की, अनुच्छेद 309 का परंतु के अनुसार राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती, नियुक्त, व्यक्ति सेवा, ठीक है, शर्तों आदि के लिए नियम बनाने की शक्ति है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त करने के लिए भी नियम बनाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति नियम बनाकर यह निर्देश दे सकता है कि कौन से मामले में भारत सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। यह सब प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। अनुच्छेद 143 क्या बोलता, 143 कहता है भैया कि राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने की शक्ति है। यह किसमें है, अनुच्छेद 143 में। ठीक है, ये पावर ही होगी। अनुच्छेद 213 में क्या है, 213 और 123 में कंफ्यूज मत होना, गलतियां होती हैं, दोनों पूछता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश करने की शक्ति है, यह 213 है, और 123 में खुद जारी करता है, याद रखना। राष्ट्रपति कुछ आयोग जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हो गया, तथा अंतरराज्यीय परिषद जो आपकी होती है इसकी भी नियुक्त करता है। अगली चीज, जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक, इनके प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। इन सभी में राष्ट्रपति को इस राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति है। ये राज्य है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ठीक है, और अब आपका शामिल हो जाएगा कौन सा, इसके साथ ही साथ पुदुचेरी वाला भी विलय हुआ है, तो वो भी इसी में अंतर्गत हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पिछले वर्ग की दशाओं के अन्वेषण और उनको सुधारने के उपाय के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान है। किसमें है, 342 और 339, याद रखना, पूछा है। अगली चीज, राष्ट्रपति ऐसी जातियां और मूल वंश या जनजातियां विनिर्दिष्ट कर सकता जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाए,
उनको क्या कर सकता, जनजातियां विनिर्दिष्ट कर सकता है, जनजातियों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की आपकी समाप्त हो चुकी हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसी इंफॉर्मेशन रही, क्या चीजें आपने ऐसी पढ़ी थी, इन सभी के बारे में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करके जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी परिवार में जोड़ते रहे। ठीक है, आप सभी ऐसे ही मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। टीम परीक्षा प्लस आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक नए दिशा और दशा की ओर कार्य करती रहेगी। बस आप लोगों से सहयोग इतना है कि जो चीजें हैं उन पर सही सकारात्मक कमेंट अच्छे देकर जाओ और हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनमें सभी को जोड़ते चले जाइए और यही चीजें क्या होंगी, आपके लिए भी एक बेहतर चीजें रहेंगी, हमारे लिए भी एक बेहतर चीजें रहेंगी। इसी के साथ फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीजों पर प्रेसिडेंट से। तब तक मस्त होकर पढ़िए। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।